आज के परिवेश में जब अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में जाना जा रहा है, इसका असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंग्रेजी का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है, सफर हिंदी का मुश्किल पड़ा, हिंदी का सफर हो गया है। आज देसी ही बटर हो गया है और चाकू भी कटर हो गया है। आप अगर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि अंग्रेजी में जब पढ़ाई जाती है बच्चों को, तो ए से एप्पल शुरुआत होता है और लास्ट होता है जेड फॉर जेब्रा। आप भले सेव जैसे हो लेकिन एंड में जेब्रा जैसे हो जाते हैं। और वही हिंदी को आप देखें तो क से कबूतर और लास्ट में ग से ज्ञानी हो जाते हैं। ये है अंतर हिंदी और अंग्रेजी में। जैसा शशांक सर ने कहा, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अनेकता में एकता स्थापित करने का सूत्रधार है। इस भाषा के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और भारत की विशेषता ही है अनेकता। और अनेकता में जब एकता स्थापित करने की बात आती है तो उस समय हिंदी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एकता को स्थापित कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। हम लोग अंग्रेजी में बोल